नमस्कार आप सभी को। आज जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, HPSC के ऑफिस के बाहर हूँ मैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की हरियाणा के अफसर लेवल की भर्तियां कराता है, वहाँ मौजूद हूँ। और मेरे साथ ना कमाल की बात यह है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ, किसी अधिकारी के पास मिलने का समय नहीं होता है। ऑफिशियल मीटिंग तो खैर मिलती नहीं है, बहुत बार लिख कर देख लिया है। अनऑफिशियली मिलने की कोशिश करती हूँ तो सभी अधिकारी या तो मीटिंग में होते हैं, या पर्ची ऊपर यदि लिख के नाम भेजती हूँ श्वेता ढुल हूँ मिलना चाहती हूँ, तो पर्ची देख कर नीचे उल्टा भेज दिया जाता है, कहते हैं कि साहब मीटिंग में हैं और नहीं मिल पाएंगे। आज भी ऐसा ही हुआ है। और सबसे जो अनोखी बात है वो ये भी है कि अगले एक महीने तक की मीटिंग मांगने पर भी कि अगले एक महीने तक मीटिंग दे दीजिए। एक महीने में कभी ना कभी तो आप फ्री होते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई एग्जाम तो करवा नहीं रहे हैं आप। PGT एक करवाना था जो पुरानी पैटर्न पे आप भर्ती कर सकते थे, लेकिन आपकी हठधर्मिता के कारण वो भर्ती ही आपने वापस ले ली। अब दोबारा आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किस तरीके से, अपने मनमाने तरीके से, थोपने के तरीके से, तो वो आप थोपेंगे। आपने PGT के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रताड़ित करना ही है, तो वो आप करेंगे अपने तरीकों से करेंगे। लेकिन जो उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमें अपने अफसर लेवल की भर्तियों में ग्रुप ए और बी में हरियाणा GK का एक अलग से प्रश्न पत्र चाहिए। 50 या 100 अंकों का, कम से कम 50 अंकों का या 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र डालिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी राजस्थान में भी 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र डाला गया है। 75 अंकों के दूसरे दो प्रश्न पत्र हैं। मध्य प्रदेश भी पूछता है, हिमाचल भी पूछता है, लैंग्वेज स्टेट्स लैंग्वेज पूछते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक चीज कहने के लिए मैं बार बार इनके दफ्तर आती हूँ, धक्के खाती हूँ, मीटिंग मांगती हूँ, लेकिन मुझे नहीं दी जाती है मीटिंग। ये चल रहा है और मेरे ख्याल से ये चक्र चल तो रहेगा, क्योंकि मैं हूँ ढीठ प्रवृत्ति की इंसान। मैं बार बार इनके पास आती रहूंगी और हरियाणा के बच्चों के लिए भाई, क्योंकि मैं आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस हरासमेंट, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्स जो भी हों उसमें हमारे बच्चों को प्राथमिकताएं मिले। ऐसा ना हो कि सेंटर की तरह यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं। PGT के लिए इन्होंने बहुत बुरा किया है, PGT के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बुरा किया है। ये कुछ कहते हैं यदि इनको PGT के अभ्यर्थियों की ज़रूरत थी तो पुराने पैटर्न पे पहले भर्ती करवा के नए पैटर्न से दोबारा नए रूल बनाकर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये खुद हार रहे थे कोर्ट में, इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो सब चीज़ें हैं, खैर उसका हम आगे देखेंगे। फिलहाल मुझे यही मैसेज देना था यहाँ खड़े होके कि मैं एक बार पहले भी यहाँ पर जनवरी में आई थी, तब भी मीटिंग नहीं मिली थी। एक महीने आगे तक की मुझे मीटिंग नहीं मिली थी, आज भी सेम ही चीज़ हुई है, नहीं दे रहे हैं मुझे मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।